इसका ग्राफ देखो, ग्राफ तो कल बतलाए थे ना, ये पहले समीकरण को हल करेंगे। जैसे समीकरण युग्म का ग्राफ एक ठो समीकरण का ग्राफ अलग अलग होता है, ये समीकरण का युग्म है। तो इसको एक्स प्लस वाई बराबर थ्री समीकरण एक, टू एक्स प्लस टू वाई बराबर फाइव समीकरण दो। सुजीत ये कौन सा समीकरण है? देख करके लग रहा है ना, कैसे पकड़ा है? बराबर के पहले दो से गुना किया हुआ है, बराबर के आगे दो से गुना नहीं किया हुआ है, असंगत। यानी इसका हल निकलेगा? हर हाल में नहीं निकलेगा। तो आखिर समीकरण है तो इसका भी ग्राफ खींचा जा सकता है। तो इसका ग्राफ समीकरण एक को हल करने पर एक्स प्लस वाई बराबर तीन, इसीलिए एक्स बराबर तीन माइनस वाई होगा। ये हो गया समीकरण चार। एक को हल किए तो एक्स का तीन। हाँ, अब समीकरण दो को हल करेंगे। समीकरण चार, तो दोनों समीकरण को हल करके एक्स का मान निकाल लेंगे। चौकीदार समझ रहा है? जब एक्स का मान निकल जाएगा तो समीकरण तीन और समीकरण चार के लिए टेबल बनाएंगे। तो समीकरण तीन का टेबल, समीकरण तीन में है एक्स बराबर तीन माइनस वाई। अगर मान लो वाई का मान एक रखेंगे तो एक तीन माइनस एक तो एक्स बराबर दो होगा। एक्स बराबर दो, y का मान अगर दो रखेंगे तो तीन में से दो गया, x बराबर एक। दो ही ठो डाटा लेना है, तीन चार पाँच छ, तीन चार ठो पाँच ठो छ भी ले सकते हैं, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ y का दो मान लेंगे तो x का दो मान निकलेगा। y का ही क्यों मान ले रहे हैं? क्योंकि x बराबर इतना है तो y का मान कुछ भी लिया जा सकता है। पाँच लेंगे तो कितना होगा? एक और ले लेते हैं, मान लो y का मान पाँच, तो तीन माइनस पाँच बराबर माइनस दो, तो माइनस दो। ये समीकरण तीन का टेबल हो गया। अब समीकरण चार का टेबल, समीकरण चार में है x बराबर पाँच माइनस दो वाई बटा दो। y का कौन सा मान लेंगे जो कट जाएगा, वो ध्यान में लाना है। अगर y बराबर शून्य ले ले तो दो को शून्य से गुना करेंगे तो शून्य होगा। y का मान शून्य, तो इसको हल करोगे, x बराबर पाँच माइनस दो, y का मान शून्य लिए बटा दो, पाँच माइनस दो को शून्य, शून्य हुआ।
पांच में से शून्य घटा पांच बटा दू, पांच रुपया को दो भाग में बांटो ढाई रुपया 2.5 होगा, समझे? तो y का मान शून्य लिए तो x का 2.5 एक मान और लेना है, रफ में ही काम कर लेना है मान निकालने का। मान लो y का मान अगर एक लेते हैं, y बराबर एक लेते हैं, x बराबर कितना होगा? इस समीकरण तीन का टेबल था, समीकरण चार में x का मान जैसे दो कॉलम तैयार किए, y का मान शून्य रखे तो x का मान ढाई आया। अगर y का मान एक रखते हैं यहाँ पर तो x बराबर पांच माइनस दू, y का एक रखे तो दू गुने एक बटा दू, ये हो गया पांच में से दू एक दू घटा पांच में से दो गया तीन बटा दू, तीन में दो से भाग देंगे तो डेढ़, तीन रुपया को दो आदमी में बांटो डेढ़ रुपया तो 1.5 हुआ, तो 1.5 इसको समझा जी। तो समीकरण तीन, ये समीकरण तीन का टेबल है, समीकरण चार का टेबल हो गया तुमको। किसी को हम यहाँ लिख लिए, तो इस तरह दो समीकरण में दो टेबल तैयार कर लेना है, कल बतलाए थे ये सब, और इस पर अब ग्राफ खींचना है। ग्राफ पेपर में इतना काम करना है, ये सब डाटा लिखना है, जैसे इसमें देख लेना हाईएस्ट मान कितना है, देखो पांच है ना, पांच से बड़ा कोई संख्या नहीं है, तो इसीलिए पांच तक जाने देंगे। ग्राफ पेपर दिया रहेगा, कल बोले थे पेपर के ठीक मध्य में वाई एक्सिस, बीच में पन्ना जो रहेगा ना, मान लो इतना बड़ा पन्ना है तो पन्ना के बीच में से ये एक्स एक्सिस लेंगे, और ऊपर में जो ये चौराई रहता है इसके बीच में वाई एक्सिस लेना, ग्राफ पेपर पर भी ये बतलाएंगे। तो इस तरह से खींच लोगे, ये दूरी मान लो जितना लेते हो तो यही दूरी बराबर लेंगे, सब जगह इतना ही दूरी पर, ये नहीं जो इतना ले लिए दो सेंटीमीटर का, इधर एक सेंटीमीटर,
समान दूरी पर ये एक दो तीन चार प्लस में माइनस में ये सब लिखना है ग्राफ में। अब देखो समीकरण तीन के अनुसार तीन का टेबल एक्स का मान दो तो वाई का मान एक, तो दो का मतलब प्लस दो तो एक्स का मान एक दो। ये हो गया एक्स बराबर दो का ग्राफ, वाई का एक, यहां वाई एक हुआ तो ये बिंदु एक दूसरे को काटा। यहां पर मान लो लेते हैं बिंदु ए, तो ए का एक्स नियामक कितना दो है ना, पहले एक्स नियामक लिखाएगा वाई नियामक एक, तो एक ठो बिंदु प्राप्त हुआ। अब एक्स बराबर एक तो वाई बराबर दो, एक्स बराबर एक एक्स बराबर एक वाई बराबर दो एक दो, तो यही काटा तो यहीं तक मान लो मिलाए। ये हो गया तुमको बिंदु, दूसरा नाम रखेंगे बी, एक्स का मान एक तो वाई का मान दो एक दो, समझ रही है फिर एक्स का मान माइनस दो तो वाई का मान पांच, तो एक्स माइनस दो तो माइनस तो मूल बिंदु से बाई ओर ये हुआ, वाई का मान पांच, एक दो तीन चार पांच। यहां पर काटा इसको सी मान लेंगे, एक्स माइनस दो और वाई का पांच, माइनस दो पांच। अब देखो कितना बिंदु प्राप्त हुआ, एक दो तीन, पटरी रखोगे ना तो तीनों बिंदु संरेखी हो जाएगा, यानी एक रेखा तीनों बिंदु से एक और केवल एक रेखा गुजरेगी, मिलाओगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगा। ऐसे ये सरल रेखा किस समीकरण का ग्राफ है, ये समीकरण नहीं लिखे हैं क्या था, मतलब इसको हल किए थे पहला को हल किए तो इसी को डायरेक्ट लिख देंगे, पहला को हल किए थे तब ना समीकरण तीन प्राप्त हुआ था, यानी एक्स प्लस वाई बराबर तीन का है ये इसको जो हल किए थे तो एक्स प्लस वाई बराबर तीन, इसीलिए x बराबर तीन माइनस वाई आया था ना, ये लिखो या ये लिखो बात है बराबर, x प्लस वाई बराबर तीन का ग्राफ है तो x प्लस वाई बराबर तीन लिख देंगे, यानी इस समीकरण का ये ग्राफ है। इस टेबल के लिए हमने ग्राफ खींच लिया, इसके बाद टेबल चार एक्स बराबर ढाई, तो ढाई कैसे लेंगे, तो मूल बिंदु यह है यहाँ पर एक दो और तीन, दो रुपया तीन रुपया के बीच में ढाई रुपया है, तो पटरी से ठीक मध्य बिंदु खोज लेंगे, तो मान लो ये होगा ही, तो एक्स का मान ढाई तो ये बिंदु दो और तीन के बीच में, y बराबर जीरो, y का मान यहाँ एक है यहाँ दो है मूल बिंदु पर जीरो, इसको इसी बिंदु को y का मान जीरो तो इसी पर चला देंगे पेंसिल दोबारा, तो देखो यहाँ पर काटा काटन जी, इसको मान लेंगे d, यहाँ काटा है ना, ठीक है बोला, यहाँ है यहाँ काटा, वाई बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो यहाँ काटा, तो कोई बिंदु मानना होगा, मान लो डी बिंदु, एक्स का मान यहाँ ढाई वाई का मान जीरो,
अब एक्स बराबर 1.5 यानी डेढ़, वाई बराबर एक, तो एक्स बराबर डेढ़, तो एक और दो रुपया के बीच में डेढ़ रुपया है, यानी यहाँ होगा एक्स का मान और वाई बराबर एक, तो डेढ़ वाला को वाई बराबर एक, ये देखो यहाँ काट रहा है वाई बराबर एक, यह है न जी, एक्स बराबर डेढ़, तो एक और दो के बीच में यहाँ काटा, इसको मान लो एफ बिंदु, वन पॉइंट फाइव और वन, तो इस तरह दो बिंदु, एक ठो ये प्राप्त हुआ, पटरी रख करके तू खींचोगे, ये तुमको ऐसे समानांतर हो जाएगा, ये रेखा को पीछे की ओर बढ़ाएंगे, यानी ये रेखा किसका, किस समीकरण का है, 2x प्लस 2y बराबर 5, यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 2y बराबर 5, तो ये कौन सा समीकरण है, इसका हल नहीं निकलेगा, समझा, अर्थात ये असंगत समीकरण है, कोई भी असंगत समीकरण लोगे, इससे जो हमें ग्राफ प्राप्त होगा वह समानांतर ग्राफ प्राप्त होगा, तो इसीलिए कोई भी असंगत समीकरण का ग्राफ खींचोगे ना, तो इसी तरह से समानांतर ऐसे प्राप्त हो या ऐसे प्राप्त हो, जैसे प्राप्त होगा दोनों सरल रेखा, दोनों असंगत समीकरण युग्म में अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो प्राप्त ग्राफ में दोनों रेखा एक दूसरे के समानांतर होना ही है, इसीलिए असंगत समीकरण युग्म उस समीकरण युग्म को कहते हैं जिस समीकरण युग्म से प्राप्त ग्राफ समानांतर सरल रेखा के रूप में होता है, अर्थात जिस समीकरण युग्म का ग्राफ हमें समानांतर रेखा के रूप में प्राप्त हो उस समीकरण युग्म को असंगत समीकरण युग्म कहते हैं, परिभाषा लिखाए थे, तो पहले ग्राफ सीखो, तब ग्राफ के आधार पर प्रश्न मतलब क्या क्या विशेषता होती है इसका अलग से क्वेश्चन लिखवाएंगे, इसको समझा चौकीदार, इसको उतारोगे, उतारो, यहाँ से उतारना है ना, उतारो, तो चलो रे चौकीदार बोल, कौन सा समीकरण युग्म है, असंगत, असंगत क्या विचार है तुम्हारा, कौन सा समीकरण युग्म लग रहा है, क्लास तो करता है, एक मिनट थोड़ी पढ़ता है, चौकीदार बिल्कुल सही बोला है, पहला समीकरण में बराबर के पहले दो से गुना किया गया है, तो बराबर के आगे भी दो से गुना है, देखो तो 2x 2y 18 × 12, तो आश्रित समीकरण युग्म में बनाना है, कैसे बनाएंगे ये सब बतला दिए है ना, तो आश्रित समीकरण युग्म में बतलाए होंगे जो एक नहीं अनंत हल प्राप्त होते हैं, एक्स और वाई का अनंत हल प्राप्त होता है ना, तो इसका ग्राफ खींचने पर कैसा ग्राफ आता है, तो एक्स प्लस वाई बराबर 6 समीकरण एक, और 2x प्लस 2y बराबर 12,
समीकरण दो, समीकरण एक को हल करने पर तो एक को हल करेंगे x प्लस वाई बराबर छ, इसीलिए x बराबर छ माइनस वाई होगा। समीकरण तीन, समीकरण सब तो नहीं बतलाना होगा कैसे हल होता है। समीकरण दो को हल करने पर तो समीकरण दो हो गया 2x प्लस 2y बराबर 12। अरे पीछे में कौन गप तू गपी हो गया है तू, तो 2x प्लस 2y बराबर 12, तो 2x बराबर 12 माइनस 2y, इसीलिए x बराबर 12 माइनस 2y बटा 2 कितना होगा। समीकरण चार, तो दोनों में x का मान निकाल लेंगे या y का मान निकाल करके समीकरण तीन और चार जो प्राप्त होगा उसी के लिए टेबल बनाएंगे। समीकरण तीन का टेबल x बराबर 6 माइनस y तो अगर मान लो y का मान 3 रखते हैं, y का मान 3 तो 6 में से 3 गया 3, x का मान 3 होगा। y का मान 4 रखते हैं तो 6 में से 4 गया तो x का मान 2 होगा। चौकीदार देख रहा है इधर। समीकरण 4 का हल का टेबुल समीकरण 4 में ये है x बराबर 12 माइनस 2y बटा 2। मान लो y का मान 3 रखते हैं, y का मान 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 गया 6, 6 बटा 2 यानी 3 होगा। हल करके y का मान 3 रखो तो इसमें तो 12 माइनस 2, y का मान 3 लिए हैं 2, तो 12 माइनस 2 तिया 6 बटा 2, 12 में 6 गया 6 बटा 2 बराबर 3 होगा। अगर मान लो y का मान 4 रखेंगे तो y का मान 4, तो 4 दूनी 8, 12 में से 8 गया 4, 4 बटा 2 यानी इसका 2 होगा। ये तो रफ में अपने से निकाल लेंगे, इस तरह दो ठो चार्ट बनेगा समीकरण तीन के लिए और चार के लिए, इसी दोनों चार्ट पर ग्राफ खिंचाएगा। तो चलो इस चार्ट को उतारो, तो इतना इसका मेन फिर अति ग्राफ पर जो है ना खींचना है। समीकरण तीन का टेबल Thank you.
समीकरण तीन में है 32-34 इसमें 32-34 इसमें भी है। ये दोनों मिल रहा है, मान लो इसका वाई का मान 3 इसमें लिए तो इसमें समीकरण 4 में वाई का मान मान लो 3 नहीं लेकर के 5 ले, इस समीकरण 4 के लिए है। 5 लेंगे वाई का मान तो 5 × 2 = 10, 12 में से 10 गया 2, 2/2 इसका मान 1 आएगा एक्स का। हल करके देखोगे ये मान बराबर ले लिए हैं तो नहीं लेना है अंतर करके, और दोबारा जो है वाई का मान यहाँ पर इसमें 4 लिए है ना समीकरण 3 में, तो समीकरण 4 में 5 आ नहीं होता है तो चलो -5 ले लेते हैं तो लंबा हो जाएगा। 5 के बदले मान लो 1 नहीं लिया है, इसमें 1 लेते हैं, y का मान 1 लेंगे तो 2 × 2 12 में से 2 × 10 10/2 यानी 5, इसमें 5 होगा। डाटा में थोड़ा हेर फेर कर लो, समझा। अब 15-51 चलो इसका ग्राफ देखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मूल बिंदु माइनस में कोई मान नहीं है इसलिए हम प्लस वाला ही समीकरण 3 के लिए पहले हम ग्राफ खींचेंगे। तो एक्स बराबर 3 तो वाई बराबर 3, एक्स बराबर 1, 2, 3 तो पटरी रख करके वाई एक्सिस के समान मान करके चलो समानांतर है ना। ये हो गया x बराबर 3 तो y बराबर 3 तो y बराबर 1, 2, 3 तो ये बिंदु प्राप्त हुआ तो मान लेंगे a, x नियामक लंब डालोगे 3, y नियामक लंब डालोगे 3, दोनों 3 3 वैसे भी x नियामक 3 y नियामक 3 है ना। फिर x नियामक 2 यानी x का मान 2 लिए तो y का मान 4 आता है, तो x का मान x नियामक कहलाता है, y का मान y नियामक कहलाता है। x बराबर 2 y बराबर 4 x बराबर 1 2, x बराबर 2 का ये लाइन जितना अपना आगे पीछे बढ़ा दो, x बराबर 2 तो y बराबर 4 1, 2, 3, 4 ये बिंदु प्राप्त हुआ, ये बिंदु मान लेंगे b, x का मान 2 y का मान 4। तो समीकरण 3 का जब ये दो बिंदु मिला तो पटरी बैठा करके एक सरल रेखा दोनों बिंदु से खींच देंगे
यही सरल रेखा हो गया ये समीकरण तीन। पहला को तोड़े थे तब न तीन प्राप्त हुआ, तो x प्लस वाई बराबर छ का ये ग्राफ हो गया, x प्लस वाई बराबर छ। अब समीकरण चार में x बराबर एक तो y बराबर पांच, x बराबर एक y बराबर तो x बराबर एक तो y बराबर पांच, एक दो तीन चार पांच, इसको खींचेंगे तो ये बिंदु प्राप्त हुआ x बराबर एक और y बराबर पांच। इसको मान लेंगे c, x नियामक एक y नियामक पांच। x बराबर पांच तो y बराबर एक, तो x बराबर पांच, एक दो तीन चार पांच, x बराबर पांच, y बराबर एक, y बराबर एक, तो इसके समानांतर यहाँ काटा जी। x प्लस y बराबर छ को आगे लिखते हैं, ये बिंदु प्राप्त हुआ। इससे एक ठो C एक ठो पांच एक यहाँ काटा, इसको D मान लो। X का मान यहाँ कितना है, X बराबर एक है ना, Y बराबर पांच, तो बिंदु C का एक पांच, फिर x बराबर पांच y बराबर एक, x बराबर पांच, ये बिंदु हुआ जी, मिस हो गया ना, ये तो इसका था एक दो तीन चार पांच और एक, ये बिंदु हुआ। देखो इसमें अब इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाएंगे, वास्तव में ये सरल रेखा जो है ना, कि दूरी थोड़ा सा हेर फेर होने पर ये एक्चुअली यहाँ ऐसे जाएगा चार, देखो x बराबर पांच तो एक दो तीन, एक थोड़ा पहले ही तो पटरी औजार रखने न मध्य में चार, x बराबर पांच y बराबर एक, तो x बराबर एक दो तीन चार पांच हुआ, तो यहां से एक सरल रेखा खींचे और y बराबर है एक, तो y बराबर एक लिए, दोनों एक दूसरे को यहाँ काटा, इसको बिंदु D मान लेंगे, तो x बराबर पांच और y बराबर एक है, और ये बिंदु इसके लिए है, और x बराबर एक और y बराबर पांच, x बराबर एक y बराबर पांच, ये बिंदु C है, C और D को जो मिलाओगे तो इसी सरल रेखा पर से एक दूसरी सरल रेखा गुजरेगा, समझा। इसका अर्थ ये हुआ, जो ये कैसा समीकरण युग्म है, ये हो गया तुमको आश्रित समीकरण युग्म, यानी डिपेंडेंट, आश्रित का इंग्लिश बताए थे ना, डे संपाती रेखा के रूप में प्राप्त होता है, यानी इसका एक समीकरण से प्राप्त जो रेखा होगा और दूसरे समीकरण से जो प्राप्त रेखा होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर से गुजरेगा, अर्थात आच्छादित कर लेगा, अर्थात संपाती हो जाएगा। संपाती रेखा के बारे में बताए थे, किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन लिख करके ये बतलाए थे कि नहीं, इस पर हम ग्राफ खिंचवाएंगे। सुनो अगले क्लास में जो है ना, कल के क्लास में
इसमें तुम लोगों को अभी दो दिन और टाइम लगेगा, दो तीन चार क्लास टाइम लगेगा, इसमें बहुत कुछ बाकी है। तो जैसे किस समीकरण युग्म को हम आश्रित समीकरण युग्म कहेंगे, तो ऐसा समीकरण युग्म जिससे प्राप्त ग्राफ संपाती रेखा के रूप में प्राप्त हो, तो ऐसे समीकरण युग्म को आश्रित समीकरण युग्म कहेंगे। जैसे ये सब उदाहरण में आएगा, इस पर अभी पांच छठ बार बतलाएंगे, इसको उतार लो और अगला टॉपिक में ये परिभाषा संपाति रेखा किसे कहते हैं, नहीं लिखाए हैं तो क्वेश्चन लिख करके रख लो, लिखाए हैं तो इसको उतार लो। नेक्स्ट क्लास में जो है ये तीनों समीकरण युग्म का ग्राफ के अनुसार परिभाषा देकर विशेषता उदाहरण ये सब कल बतलाएंगे।